खाने वाले दस जने कमाते कितने जने हो? तीन जने कमाते हो, दस जने खाने वाले हैं, तो तीनों माशाल्लाह गुजर सफर हो जाता है इससे, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसे मिलते हैं आप लोगों को किसी को मिले? कितने मिलते हैं वो आपको? कितने मिलते हैं अम्मी को? कितने मिले हैं अम्मी? कितने मिले हैं आपको? 12,000 रुपए। तो अभी जो किस्त आएगी मैं आप लोगों को बताता चलूं, वो गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है 25,000 रुपए। 25,000 रुपया हम आगे जुड़ना, ठीक है ना माँ? गवर्नमेंट ऐलान करे छड़ी हुआ गरीबन जो जगह मानू है ना, पंजा हिंदू भाई हैं जगह है मुसलमान गरीब घर हैं सबरन के, 12,000 का बजाय हम 25,000 रुपया मिलता ये सिंध गवर्नमेंट ऐलान करे चढ़े होते, ठीक है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे वालदैन, मेरे अज़ीज़ो करीम, मेरे दोस्तों भाई जितने मुझे देखने वाले मेरे चाहने वाले, आप सबकी दुआओं से जी आज का व्लॉग करते हैं शुरू। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा लिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक पहुंच सके। शुक्रिया। तो जैसे कि नाज़रीन आज भी मैं थर के अंदर हूँ, यहाँ पे विजिट कर रहा हूँ हमारे गरीब हिंदू भाई हैं उनके घर की, और चलते हैं आपको उनके घर की विजिट भी करवाता हूँ और उनके परेशानियां भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, अपनी गवर्नमेंट तक भी शेयर करता हूँ। वो गरीब लोग अपनी किस तरह जिंदगी गुजारते हैं थर के अंदर मैं आप लोगों को बताता चलूँ। नाज़रीन थर के अंदर पानी, खाना पीना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, यकीन माने इन लोगों के साथ बहुत महरूम है इन चीज़ों से और बहुत परेशान है। चलते हैं मजीद उनके घर और आप लोगों को दिखाता हूँ वो बेचारे लाइफ कैसे गुजारते हैं, वो किस तरह रहते हैं और किस तरह उनकी परेशानियाँ अक्सर आप लोग मेरी वीडियो के साथ अंदर देखते हो और अपनी गवर्नमेंट तक भी पहुँचाता हूँ। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है यार यूट्यूब तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। आपके तावन, आपके प्यार, आपके साथ से मैं यहाँ पे आता हूँ, आपका तावन चाहिए, आपकी सपोर्ट चाहिए। चलते हैं मजीद उनके घर। भाई जी, क्या हाल है भाई आपके? भाई क्या नाम है आपका? हरीश है। हरीश भाई, हरीश भाई चले आपके घर विजिट करते हैं, फिर मजीद गपशप वहीं पे लगाते हैं। तो जैसे कि नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं ये सारे मट के घर बने हुए, मट्टी के कच्चे घर हैं ये सारे, आप लोग देख सकते हैं सामने। आप लोगों को व्यू भी दिखाता चलूँ नाज़रीन, आप देख सकते हैं भाई डेजर्ट ही डेजर्ट, दूर दूर रेत ही रेत और कहीं आपको आबादी नजर नहीं आएगी। बीच में ये बेचारे अपना घर बना के बैठे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह इन्होंने अपने कांटों की बाड़ की हुई है, गरीब आदमी ने अपने घर के अंदर किस तरह अपने घर की इन्होंने चारदीवारी की हुई है। ये गरीब यहाँ पे अपनी मेहनत मजदूरी करके कच्चे मट्टी के घर बना के बैठे हुए रेत के अंदर। आप लोग सोचते हैं बड़ी दूर दरार से ये रेत मट्टी की लेकर आते हैं और इसी तरह अपने मट्टी के कच्चे घर बनाते हैं। ये गरीब आदमी की लाइफ देखें किस तरह इन्होंने मट के ये सारे कच्चे घर बनाए हुए और अपना ओटा भी बनाया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं गरीब आदमी की लाइफ, जो थर के अंदर गरीब लोग रहते हैं उनकी लाइफ देखें इस तरह की है। ये थर के गरीब लोगों की ज़िंदगी जिनके बारे में, जिनके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ, ये देख सकते हैं नाज़रीन सारे जो मट के घर बने हुए कच्चे, आप लोग देख सकते हैं ये सारे मट के बने हुए हैं, मट्टी के कच्ची मट्टी। और इनसे मज़ीद बात भी करते हैं, ये कहाँ से लेकर आए इतनी दूर से ये मट्टी, और इनसे बातचीत भी करते हैं। चलते हैं इनके पास। तो जैसा कि नाज़रीन मैं पहले आप लोगों को घर की, चाचा वालों के घर की विजिट करवा देता हूँ। ये चाचा का घर है और चाचा से नाम भी पूछते हैं, मजीद आप लोगों को दिखाता चलूँ। ये देखें मट्टी के बेचारे इन गरीब लोगों ने अपने मट्टी के सारे कच्चे घर बनाए हुए, आप लोग देख सकते हैं। ये गरीब आदमी अपने मट्टी के कच्चे घरों को भी किस तरह सफाई से और मेहनत से, आप लोग देख सकते हैं घर बनाए हुए इन्होंने अपने। ये देखे इन्होंने माशाल्लाह, ये अम्मा ये आपने बनाया है? आपके हाथों से बनाया हुआ है, ये अम्मा ने खुद अपने हाथों से कढ़ाई की हुई। नाज़रीन मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ और कितनी खूबसूरती से माशाल्लाह इन्होंने अपने बर्तन सजाए हुए, आप लोग देख सकते हैं नाज़रीन। ये अम्मा ने अपने हाथों से किस तरह खूबसूरती से अपने बर्तन सजाए हुए। ये गरीब लोग जो थर के अंदर जिंदगी अपनी गुजारते हैं इसी तरह। ये अपने बिस्तरे रखने की जगह बनाई हुई है, गरीब आदमी के पास दो बिस्तरे, एक पेटी और एक चारपाई, आप लोग देख सकते हैं। ये गरीब आदमी की जिंदगी है थर के अंदर और इसी तरह ये अपनी लाइफ गुजारते हैं। मियाँ है भाई, आपका क्या नाम है? जामन। भाई का नाम जामन है, चाचा का नाम चाचा लाल जी। भाई आपको यहाँ पे क्या परेशानी है मुझे बताएंगे थोड़ा सा? पानी की समस्या है। हाँ हाँ, खाने पीने की, तो मतलब कि राशन पानी आपके पास किल्लत है और मना खाद्य पीते जी का कमी आए, पानी की कमी है, पानी तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है ना। तो जैसा कि नाज़रीन भाई कहते हैं पानी की हमारे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, और खाने पीने की जाहिर सी बात है थर के अंदर मैं जिक्र करता आ रहा हूँ कि काफ़ी बारिशें कम हुई हैं। पिछले सीजन में बारिशें ना होने की वजह से डुकार
हुआ हुआ है और गरीब लोग जो है वो अपनी लाइफ बहुत मुश्किल से गुजार रहे हैं। मैं आप लोगों को बता चलूँ नाजीन, उनकी लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही मुश्किल हुई हुई है। हिंद का अलावा वहाँ के भी परेशानी हुई है, घर जे हवाले से को केड़ी को परेशानी हुई है, कच्चू बितू है घर कच्चू आए। हाँ, रोजगार अभी मजदूरी छाता करो, भट्टे पे काम करते हो। तो जैसे नाजरीन भाई भट्टे पे काम करता है, भट्टे पे मजदूरी करता है, कितनी मजदूरी मिलती है आपको? 300-400 रुपए दिहाड़ी। तो उससे गुजर सफर हो जाता है। कितने अफराद हैं खाने वाले? खाने वाले 10 जने। कमाते कितने जने हो? 3 जने कमाते हो, 10 जने खाने वाले हैं। तो तीनों माशाल्लाह गुजर सफर हो जाता है इससे, जिंदगी काट रहे हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसे मिलते हैं आप लोगों को, किसी को मिले? कितने मिलते हैं वो आपको? कितने मिलते हैं अम्मी को? कितने मिले हैं अम्मी? कितने मिले हैं आपको? 12,000 रुपए। तो अभी जो किस्त आएगी मैं आप लोगों को बताता चलूं, वो गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है 25,000 रुपए। 25,000 रुपया हम आगे जुड़ना, ठीक है ना माँ? गवर्नमेंट ऐलान करे छड़ी हुआ गरीबन जो जगह मानू है ना, पंजा हिंदू भाई हैं जगह है, मुसलमान गरीब घर हैं सबरन के, 12,000 का बजाय हम 25,000 रुपया मिलता। ये सिंध गवर्नमेंट ऐलान करे छड़ी होती, ठीक है ना? तो हाँ मत्थी जगह की किस्त थी इनशाला वो 25,000 के हिसाब से आई। देखा नाजरीन, ये गरीब आदमी को एक आस होती है कि मेरी कोई मदद कर दे। आप लोग सोच सकते हैं गरीब के पास 2 वक्त का खाना है, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का गुजर सफर करता है, मेहनत मजदूरी करता है, कोई लकड़ियां काटते हैं, कोई भट्टों पे जाके मजदूरियां करते हैं, ये लोग अपनी इसी तरह गुजर सफर करते हैं। ये तरके लोग मेहनती और गरीब लोग, हकीकत में जो गरीब लोग हैं मैं उनके भी वीडियो बनाता हूँ और अपने दोस्तों तक, अपनी गवर्नमेंट तक पहुँचाता हूँ ताकि उनको कुछ उनकी मदद हो सके, उनको इमदाद मिल सके। तो मजीद आपको दिखाता हूँ इनके घर। भाई इनके अलावा कुछ चौन चाहिए तो तवा? तो भाई दूसरे भाई के आप लोगों को दिखाता चलूँ, इनके दूसरा भाई है उनके भी विजिट करते हैं, इनके घर की भी मैं आपको दिखाता चलूँ। ये आपका है? हाँ, ये घर है इनके सारे नाजिन। जैसा कि मैं बताता चलूँ, ये इन्होंने अपनी छाँ बनाई हुई है जहाँ पे बैठने की जगह आप लोग देख सकते हैं। ये इन्होंने यहाँ पे आप लोग दिखाता चलूँ नाजरीन, बाहर डेजर्ट है और रेत बहुत उड़ती है यहाँ पे, हवा भी आजकल बहुत तेज़ चल रही है, आपको हवा का शोर भी आएगा, आप लोग देख सकेंगे सुनाई देगा आपको। ये इसी तरह डेजर्ट ही डेजर्ट है, बेचारे गरीब लोग यहाँ पे अपनी लाइफ गुजारते हैं। ये बैठने की इन्होंने अपनी जगह बनाई है ताकि गर्मी जो लू कम लग सके। ये देखें इन्होंने छपरी किस तरह बेचारों ने अपनी बनाई हुई हाथों से, ये सारी हाथों से मेहनत करके अपना घर बनाते हैं, कोई यहाँ पे मिस्त्री काम नहीं करता, ये सारे अपने खुद हाथों से मेहनत करते हैं। मैं आप लोगों को बताता चलूँ नाजरीन, ये भाई हैं और मजीद इनसे भी बातचीत करते हैं वहाँ चल के। आप लोग देख सकते हैं ये मिट्टी कहाँ से लेकर आते हो यार आप लोग? सिंध से इतनी दूर मिट्टी कहाँ ये उठा के लेके आना यार, मैं तो हैरान होता हूँ आप लोग किस तरह लेकर आते हो। तो ये देख सकते हैं नाजरीन, इन्होंने अभी मिट्टी यहाँ पे फेंकी हुई है और ये यकीन करें बड़ी दूर दराज से ये मिट्टी लेकर आते हैं। आपको बताता चलूँ, यकीन माने यहाँ पे आपको दूर कहीं रेत ही रेत नजर आएगी, मिट्टी का कहीं भी टीला कोई नजर नहीं आएगा, रेत के टीले सारे नजर आएंगे। और यकीन करें ये इसी तरह बेचारे ये गरीब लोग अपने घरों में दूर दराज से मिट्टियाँ उठा के लेकर आते हैं और अपने घर बनाते हैं। ये है गरीब आदमी की ज़िंदगी, मैं बताऊँ आप लोग, ये यहाँ पे इसी तरह अपने जो ज़िंदगी गुजारते हैं, सादा ज़िंदगी इनकी और सादगी से ही रहते हैं। ये देखें इसका घर, भाई का, ये भी भाई का घर है चाचा के बेटे का, मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ। ये इन्होंने अपना घर बनाया है मिट्टी का सारा, इसी तरह ये देखें बिस्तरे कुछ रखे हुए हैं, 2-4 पहिए हैं बेचारों के पास और इसी तरह इन्होंने ये अपने बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। ये लोग देख सकते हैं आप लोग नाज़रीन, ये गरीब आदमी की लाइफ, थर के अंदर जो गरीब आदमी है वो अपनी लाइफ ऐसे गुजारते हैं। मजीद भाई से बात करते हैं और भाई से पूछते हैं, भाई यहाँ पे बहन बैठी हुई है और मेरे ख्याल में खाना वगैरह बना के अभी रोटी हटी है आधी सगड़ा चौटा। भाई केड़ी परेशानी थे आके बताओ, उर्दू में बताओ, उर्दू आती है? हाँ उर्दू में बताओ। इधर पानी नहीं है, हाँ। नहीं रोड है, नहीं लाइट है, हाँ। इस तरह ये परेशानी है। लाइट की भी, लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है, तो पानी इधर कितना गहरा नीचे जमीन के अंदर? इतने बहुत दूर है। कितनी दूर होगा तकरीबन? 300-400 फीट होगा, 300-400 फीट है ना? तो जैसे कि नाज़रीन 300-400 फीट अगर पानी है मुझे बताएं, तो गरीब आदमी उसकी खुदाई कैसे कर सकता है? गरीब आदमी पहले ही बड़ी मुश्किल से अपना गुजर सफर करता है, 300-400 फीट नलका भी लगाए कम से कम, मैं कहता हूँ उसके ऊपर 1.5-2 लाख रुपए खर्च होगा,
तो वो गरीब आदमी कहाँ से लाएगा, ये तो गवर्नमेंट और एनजीओज ही करके दे सकती हैं ताकि इन गरीब बंदों की बेचारों की मदद हो सके। ये थर के अंदर मेरे हिंदू भाई जो रहते हैं यकीन माने इसी तरह परेशानी और दुख तकलीफ में ही रहते हैं। और कोई इसके अलावा भाई परेशानी आपको? पानी नहीं है इधर, पानी का ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इधर अगर नलका लगा दिया जाए वो मीठा होगा कुछ पानी? नहीं, तो फिर क्या किया, क्या बंदोबस्त और अल्टीमेट क्या उसका बंदोबस्त होना चाहिए? पानी की लाइन आ जाए, है पानी की लाइन इधर से, तो इंशाल्लाह ये आगे लाइन को जाती है इधर से, जाती है इधर कोयले पे, कोयले पे जाती है। तो उसमें से नहीं देते? उसमें नहीं देते। क्या कहते हैं वो लोग? पूछा था कि ये कहते हैं वो जा रही है उधर कोयले पे। हाँ, तुमका ऐसे गया था, दिया था अभी तक नहीं। तो जैसा कि नाज़रीन यहाँ से कोयले पे जो लाइन जा रही है पानी की, भाई कह रहा कि हमें उन्होंने कहा था देंगे लेकिन अभी तक मिली नहीं। इंशाल्लाह चले इनकी आवाज़ ज़रूर मैं उठाऊंगा ताकि इनको यहाँ से पाइपलाइन मिल जाए, ये अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकें। बहन आप कुछ कहना चाहोगी? तवा कुछ चाहूँगा आदि? हाँ आदि, तवा कुछ चाहूँगा? छा परेशानी हवा के हुए को हवा तो पानी पर पानी जी आए बी को हवा के परेशानी हुए वो बताओ बी को है ना खालावा मिट्टी है नहीं में कच्चा घर ठाए तो पक्का घर मिली वजन वो सुठो है जी अम्मा घर नहीं कच्चे घर है तो पक्के मिल जाए तो पक्के घर मिल जाए सही है थानू थानू मुश्किल होती है मिट्टी वगैरह लाना नहीं तो अम्मा कह रही है बहन कह रही है देखिए हमें यहाँ से मिट्टी दूर से लेकर आते हैं हम लगाते हैं बारिशें जब होती है हमारे घर टूट जाते हैं कच्चे और गिर जाते हैं हमें जो खतरा रहता है जब बारिश होती है आपको पता है नाज़रीन रेत ही रेत होती है साइडों पे रेत जब बारिशें तेज होती है रेत नीचे से ज़मीन के निकलती है जो पानी के स्पीड जब बारिश होती है स्पीड से पानी जब गुजरता है तो रेत सारी नीचे से निकल जाती है कच्चे घर गिर जाते हैं। मैं आप लोगों को बताऊं वहाँ वो अम्मा कह रही हैं बहन कह रही हैं कि हमें खतरा ही रहता है कब हमारा घर ऊपर गिर गया तो हमारी जान को खतरा होता है। इसी तरह थर के लोग बेचारे जो गरीब लोग हैं इसी तरह परेशानी और दुख तकलीफ में रहते हैं। आप लोग देख सकें इनको अगर कच्चा घर की बजाय पक्का घर मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी और आसान हो जाएगी। राशन पानी की कोई इस तरह की परेशानी है? राशन पानी की भी है तो राशन पानी की परेशानी है इंशाल्लाह ज़रूर इनकी मदद की जाएगी। अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है। नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं ये गरीब लोग थर के अंदर अपनी ऐसे लाइफ गुजारते हैं और अपने दोस्तों तक मैंने शेयर की ये थर के अंदर गरीब लोगों की ज़िंदगी और ऐसे अपनी लाइफ गुजारते हैं नाज़रीन ये थर के गरीब लोग। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ नाज़रीन जो गरीब लोग हैं हकीकत में मैं आपको बताऊँ उनकी लाइफ बहुत मुश्किल हुई हुई है क्योंकि बारिशें ना होने की वजह से यहाँ के जो गरीब लोग हैं वो बहुत परेशानी और बहुत मुश्किल में हैं। थर के अंदर मैं अक्सर मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को उन्हीं के ऊपर व्लॉग बना रहा हूँ जो लोग परेशान हैं मुस्तैक हैं इस चीज़ के हकदार हैं मैं उनके ऊपर वीडियो बनाता हूँ ताकि उनकी कुछ मदद हो सके उन गरीबों के घर जाए और उनकी मदद की जाए। तो ये देख सकते हैं आप लोग गरीब लोग अपने थर के अंदर ऐसे ज़िंदगियाँ गुजारते हैं। तो जैसा कि नाज़रीन यहाँ पर मैंने आप लोगों को विज़िट करा कोली भाई हैं हमारे हिंदू और यहाँ पे रहते हैं थर के अंदर ये अपनी लाइफ कैसे गुजार रहे हैं यकीन माने बाहर हमसे खड़ा नहीं हो जा रहा। मैं आप लोगों को अभी विजिट करवा रहा था इनके घर की यकीन कर बाइक बहुत तेज लू चल रही है और रेत भी साथ उड़ रही है। यहाँ पे यकीन करें सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताऊं गरीब आदमी की लाइफ जो यकीन करें थर के अंदर बहुत ही ज्यादा मुश्किल है यकीन करें। मैं यकीन करें उन सबको ऐसे देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। ये गरीब लोग ऐसे ही अपनी लाइफ गुजारते हैं थर के अंदर अपनी मेहनत करते हैं मजदूरियां करते हैं अपने बच्चों का पेट पालते हैं। यकीन माने अपने बच्चों का पेट पालना बहुत ही मुश्किल हुआ हुआ है इस दौर के अंदर जो ये टाइम चल रहा है। गरीब आदमी के घर जब जाओगे आप तब पता चलेगा कि उससे जब पूछोगे उसकी कंडीशन देखोगे तब पता चलेगा कि वो अपनी किस हालात में गुजर रहा है। वो वही जानता है और अल्लाह जानता है कोई और नहीं जानता नाज़रीन। यकीन माने मैं उन्हीं गरीब लोगों के पास आता हूँ उनके घरों की विजिट करता हूँ उन लोगों की आप लोगों के साथ वीडियो बना के अपनी गवर्नमेंट तक अपने दोस्तों तक शेयर करता हूँ ताकि हमारे हिंदू भाई या मुस्लिम भाई गरीब हैं उनकी मदद हो सके। तो यहाँ पे भाई वालों ने यही कहा हमें जो परेशानी मैंने आप लोगों से बताई पानी का हॉस्पिटल का लाइट नहीं है यहाँ पे इनको राशन पानी की प्रॉब्लम है इस तरह की जो चीज़ें हैं चार पांच इनको प्रॉब्लम है। तो इंशाल्लाह ताला हमारी सबसे अपील है ताकि इनकी कुछ मदद की जाए एनजीओ से भी अपील है यहाँ पे आए इनकी कुछ मदद की जाए। ये चाचा गांव का गोट जा नालो चाहता जो घट जो तवाजो
चेलार जो रोड तवा जो नालो छ है के जे नाले ते घर है ई बंजो मुझे लालजी नाले लालजी लालजी भाई है थरनबिसर रोड है लालजी भाई के नाम पे ये गांव है तो यहां पे जिसने भी आना है लालजी भाई का पता करे और यहां पे आगे इनकी मदद की जाए। मैं इसी तरह कोशिश करता हूं ताकि हर कोई आगे इनकी सपोर्ट करे ताकि ये अपने बच्चों का गुजर सफर अच्छी तरह से खुशहाली से कर सकें। ये है थर के गरीब और थर की पुकार जो बेचारे पुकार रहे हैं ताकि मेरी मदद की जाए। थर के अंदर डुकार आने की वजह से यकीन माने कैर साली आने की वजह से जो पिछले सीजन में बारिश ना होने की वजह से थी वो लोग बेचारे अभी पिस रहे हैं क्योंकि उनकी फसल हुई नहीं है। वो बेचारे बहुत दूर दराज जाके मजदूरियां करते हैं वो अपने गुजर सफर। अभी आप लोग कहाँ गए हुए थे मजदूरी करने? ये बाइट सिंध की तरफ गंदम कटाई करने गए थे वहां से मजदूरी करके आए हैं। यकीन करें पीछे में पहले कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे आया था ये घर बिल्कुल खाली पड़े हुए थे और फिर मैं यहाँ से वापस चला गया था। आज फिर मैं यहाँ से जब आया तो मैंने देखा ये चाचा लोग मुझे मिले यहाँ पे आके मैंने आज इनकी वीडियो बनाई। तो इंशाल्लाह तआला इनके साथ जरूर सपोर्ट की जाएगी। आप लोग भी तावन करें आपके तावन और आपके प्यार से यहाँ पे मैं आता हूँ। आप लोगों को अगर मेरा चैनल ये AR गोइड यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें और बेल आल को जरूर दबा करें ताकि हर नई आने वाली आप दोस्तों तक पहुंच सके। आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।